बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम अब्बास है। मेरा एक दीनार घराने नाल ताल्लुक है और मेरा भी शौक ज़रात है ज़्यादा। वैसे मैं स्कूल भी चला रही हूँ लेकिन ज़रात नाल ज़्यादा दिलचस्पी है। ये जहांगीर अब्बास ने साढ़े करीब के इलाके रहते हैं तो आए रोज़ मैं इन्होंने वैसे तो काफ़ी मशवरा की रखना। पहले दूसरी इस गंदम के हवाले नाल हो गया, कपास के हवाले नाल हो गया और मुख्तलिफ फसल जड़िया भी होंदिया उन्होंने हवाले नाल इन्होंने काफ़ी मशवरा की रखी है तो ये भी काफ़ी अच्छे मशवरे देंगे जिनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पिछले दिनों के एक मसला दरपेश आया कि साड़िया बैंसा वैसे आम रूटीन साढ़े देहाती इलाकों के बैंसा खेतों के छोड़ दिता वाइंदा है, यानी बजाय कटाई करते वैसे छोड़ दिता वाइंदा। उत्थे एक जड़ी बूटी आई वो बैंसा खादी ते उस तो बाद दूसरे दिन दुध दे बड़ी स्मैल दुध की जी है कड़वा दुध सी। मैं जहांगीर अब्बास नाल मशवरा किया भई ये इहदा की मसला है। उन्हें आखिया कल उस चारा किहड़ा डालिया। मैं इन्हों विखाया लै गया तो विखाया और मैं उन्होंने दसिया कि यह जड़ी बूटी है कल बैंसा ने खाधी है। इन्हें फिर मैनू दसिया कि इसका नाँ गाजर बूटी है। पहले सानू इस चीज़ का ना ही पता क्योंकि अस आम रूटीन के बैंसा कटते भी पा देंगे असे बैंसा इस वैसे भी चार लेंदियां सी ते सानू कोई ना ही पता इस चीज़ का। इन्हें फिर इसके नुकसान के बारे बड़ी तफसील मैं दसिया कि ये एक जरा दुध के कड़वाहट है वो इसकी वजह तो है कि दुध खराब हो गया। फिर ये बैंसा सांस की बीमारी दमा इंसानों भी ये बीमारियां लग जाए। बच्चे खेलते खेलते अगर ये खेल लवें तो उन्होंने खारिश तो इस तरह मुख्तलिफ नुकसान इन्हें दसे इस जड़ी बूटी में। मैं बड़ी हैरानगी हुई कि यह जड़ी बूटी जी अस पहले आम तौर पर जानवर यूज करवाया से जानवर इस बड़े शौक न खाते हैं ये इतने नुकसान तो इन्हों मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना कि इन्हों साडे जिस टाइम सदींदा उस टाइम आ ही रेंगे और इस तरह के काफ़ी मशवरे अच्छे देंगे कि सानू जोड़े मुफीद साढ़े वास्ते साबित होंगे। ये हूँ साड़ी जी गाजर बूटी साड़ी बस्ती के इतने हूँ आम रूटीन के बच्चे खेलते भी हैं, बकरियां भी चरदियां, भैंसा भी इस चरदियां। हूँ सानू इस जड़ी बूटी के बारे बिल्कुल कोई ना पता लेकिन अस इन्हों का शुक्रिया अदा करें कि गाय बगैर सानू इन्हें जड़ी बूटियों के बारे और गंदम की दूसरी बीमारियों के बारे दसेंगे।